हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सब जी रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्या, स्केलिंग थोड़ी सी पढ़ने जा रहे हैं। स्केलिंग क्या होती है, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एक स्केल है। स्केल क्या करता है, कुछ नापता है। क्या नापता है, लेंथ वगैरह कुछ भी नाप सकता है स्केल। और ये हमारा एक दूसरा स्केल है, ठीक है। दोनों की लंबाई बराबर है। इस स्केल में क्या हमने कर दिए, कितने टुकड़े इस स्केल के हमने कर दिए, 100 टुकड़े। कितने टुकड़े कर दिए इसके, 100 टुकड़े। इस स्केल के हमने कर दिए कितने टुकड़े, 60 टुकड़े, ठीक है। मतलब टुकड़े कैसे, मतलब जैसे हम स्केल नापते हैं ना अपने, जो हमारे पास सेंटीमीटर स्केल होता है जिससे लाइन वगैरह खींचते हैं, तो उसमें ध्यान से देखना ऐसे डंडियां बनी होंगी। तो एक डंडी एक सेंटीमीटर होता है, फिर एक डंडी एक और सेंटीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर से करके सेंटीमीटर स्केल हम यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्केल होता है। तो अब मैं ये स्केल से क्या बताने जा रहा हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ, परसेंटेज और टाइम का रिलेशन वगैरह कुछ देखोगे तो समझ आएगा। देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि देखिए जैसे कि अगर हम बोले कि हमने 60 मिनट गेम खेला, तो हम 60 मिनट को क्या बोलते हैं, एक घंटा गेम खेला हमने, 1 आवर। ये तो आपको पता है कि अगर एक कभी भी आपको आवर से बनाना मिनट बनाना है तो क्या करोगे, आवर से मिनट बनाना है, कभी भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मिनट से आवर बनाना है तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। तो सिंपल सी बात हमको पता है, बट इसमें आपने ज्यादा सोचा नहीं है, बस मान ली इतनी सी बात। देखो मैं इसमें आंसर बता दूं कुछ। देखो जैसे कि मैं बोलूं 60 मिनट का चलता है, 60 मिनट का एक घंटा, 120 मिनट का 2 घंटे। मैं बोलता हूं कि मैंने 150 मिनट गेम खेला है, 150 मिनट। कुछ होशियार लोग इसको क्या करेंगे, इसको 120 प्लस 30 तोड़ देंगे, 120 मतलब 2 घंटे और 30 मिनट मतलब आधा घंटा, है ना। ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 160 मिनट तो क्या करोगे। तो मैं एक जनरल चीज बताता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम एग्जाम्पल ये लेंगे इस आसान सा, कि 150 मिनट हमने गेम खेला, या फिर 150 मिनट हमने पढ़ाई करी, कुछ भी 150 मिनट हमने करा, तो 150 मिनट मतलब कितना घंटा, कितने घंटे कितने मिनट पढ़ा। मैं ये 150 मिनट में पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितने घंटे और कितने मिनट है। सिंपल से आपको बात बताया कि जब मिनट को आवर बनाना है, 60 से डिवाइड करना है मिनट को आवर बनाने के लिए, 150 मिनट को आवर कैसे बनाओगे, वो लगाओ वही तरीका जो मैंने बताया है, 150 करो 60 से डिवाइड। चलो करते हैं, 0 0 काट दिया, 3 2 6, 3 5 15, सॉरी क्या करते हैं, 3 3 5 15। अब इसे काटोगे तो 5/2 बनाइए, जब इसको काटोगे तो क्या होगा, 2 2 2 2 2 4। जब देखिए डेसिमल वाला हमारा डिवाइड है, जब से काटेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो अब 2.5 आवर आया, क्या आया ये, 2.5 आवर। हमने चेंज तो कर दिया 2.5 आवर में, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अब कितना मिनट खेला है हमने और कितना घंटा खेला है। डेसिमल के आगे नंबर तो सीधे बोल दोगे कि 2 घंटे खेला, लेकिन पीछे वाले नंबर कैसे बताओगे कि कितना मिनट खेला। 2 घंटे तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपने 2 घंटे खेला, लेकिन ये जो 0.5 आवर है ये कितना मिनट है, ये तो चलो आवर है, 2 आवर। इसे ऐसे देखोगे ना, 2.5 प्लस 0.5 2 आवर, 0.5 आवर, ये तो 2 घंटे है। 0.5 आवर मतलब कितना घंटा, मतलब कितने मिनट, वो कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको कभी भी जैसे डेसिमल में आ रहा हो ना, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 30, और ये डेसिमल आ किसकेगा, देखो 30 मिनट आ जाएगा जब 60 से इसे करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई आपको आता होगा। तो 30 मिनट ये बन गया आंसर, कि 2 घंटे 30 मिनट खेला। वैसे मैंने आपको तोड़ के सिखा दिया, ये कहां पे हेल्प करेगा वो बता देता हूं। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैंने 80 मिनट गेम खेला, अब 80 मिनट मतलब कितनी देर खेला, कितने घंटे कितने मिनट, ये मैंने बोला 80 मिनट गेम खेला, मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैंने कितने घंटे खेला और कितने मिनट खेला। तो वही काम है आपको करना है, 60 से डिवाइड, 0 0 काटो, 2 4 8, 2 3 6, अब इसे इसे काटोगे तो एक घंटा पॉइंट कुछ आएगा, जो पॉइंट कुछ आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, बढ़िया तरीका। अब ये होता, ये ऐसे क्यों होता है, खुद इमेजिन करो, ये है हमारा परसेंट स्केल, जो भी स्केल होता है हमारा जनरल, वो 100 बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर परसेंट स्केल हमारा 100 में होता है, जो डेसिमल होता है वो भी 100 होता है, ठीक है, 0.1 ऐसे करके 100 तक। तो डेसिमल मान लो ये 0.1 0.2 ऐसे करके 1 तक, क्योंकि डेसिमल में समझ से छोटा होता है, तो 0 से लेके 1 तक का होता है डेसिमल हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन अगर आता है मैं छोटा। तो ये मान लो हमारा 100 का स्केल है,
ये है हमारा परसेंट स्केल, मतलब 1% 2% वाला। ये है टाइम का स्केल कि जैसे देखो, जैसे मैं समझाता हूँ, हमने चले 1 2 3 4 5 6 7 8 100 पहुंचे, 100 से अगली बार क्या होगा 101 102 103, फिर 201 202 203, मतलब एक स्केल के बाद अगली वाली पे आ गए 200 300 पे। ठीक है, अब मान लो इस पे हम अगर चलते हैं, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 60 मिनट 60 मिनट के बाद जैसे 61 मिनट होंगे, मतलब 1 घंटे के बाद अगला मिनट आ गया। तो ये टाइम स्केल जो है हमारा, उसकी 60 की डिवीजन होती है, और जो नॉर्मल स्केल होता है उसकी 100 की डिवीजन होती है। तो 60 का स्केल इक्वल टू 100 का स्केल, इसको इमेजिन करके मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। मान लो ये पूरा क्या है, ये दोनों स्केल हम एक घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको आप तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो कैसे कैसे टूटेगा, ये 1 का मान लिया, 0 पॉइंट से लेके 1 तक जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 0.5 निकलेगा। कैसे, एक को तोड़ो आधा आधा, तो आधा मतलब 0.5 होता है। ऐसे 60 को तोड़ो, 60 मिनट है ना, 60 को तोड़ो, ये बन गया 30 मिनट। देखो 0.5 मतलब होता है 30 मिनट। ये स्केलिंग है बस, इसमें जितना आप सोचोगे उतनी चल के आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो जाएगी। ये पूरा 100 मान लिया, तोड़ा तो आधा हो गया, 0.5 भी डेसिमल स्केल है जो कि हम लोग यूज करते हैं, आधा पौने पौने मतलब 2.5 ये सब। और ये हमारी टाइम की स्केल है, इसमें 60 के बाद सीधे अगली काउंटिंग आ जाती है 2 3 4। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। जैसे मैं 62 मिनट 62 मिनट मतलब 1 घंटे 2 मिनट, इसमें अलग में वैल्यू होगी, इसमें अलग वैल्यू होगी। देखो 0.5 मतलब आधा मिनट, ऐसे करके और भी चीज कर सकते हो, आवर वगैरह बना सकते हो। तो ये इसकी इमेजिनेशन होगी। अब बात आएगी तो बहुत हार्ड पड़ेगा, तो सब समझाने के लिए आसान के लिए आप और भी आसान चीजें कर सकते हो। कैसे, जैसे कि ये मैंने बोल दिया 80 है, इसमें बताओ कितने 80 मिनट है, मैंने बोल दिया बताओ कितने और कितने मिनट है। कुछ नहीं करना, एक बार 60 माइनस करो, कितना आया 20 आया। देखो जितनी बार 60 माइनस करो उतनी बार एक घंटे मान लेना, 60 माइनस करना मतलब एक घंटा, एक बार 60 माइनस करा मतलब एक घंटा, 20 बच गया मतलब 20 मिनट, मतलब 60 से छोटा बच जाए तो वो मिनट हो जाता है। जैसे कि और इसी को एग्जांपल लेता 150 वाला, 150 है, मैं पूछता हूँ 150 क्या है, ये मिनट है, मैं बोलता हूँ कितने घंटे और कितने मिनट है। वही तरीका, 60 माइनस करो कितना आया 0 4 9, 90 मिनट आया। फिर 60 माइनस कर दो, देखो एक बार 60 माइनस कर चुके मतलब एक घंटा हमारा हो चुका है, अभी भी 60 से बड़ा है, फिर 60 माइनस कर दो कितना आया 30 आया। देखो एक बार 60 माइनस कर दिया हमने, एक बार फिर 60 माइनस कर दिया, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये 60 से छोटा है तो बस 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। ये आपको इजी पड़ेगा कंपेयर टू दिस। ये बस समझने के लिए मैंने बताया है कि आपको डिवाइड करो, जो डेसिमल में बोल दे कोई कि डेसिमल 2 हाफ, तो उसको मिनट कैसे बनाना है 60 से मल्टीप्लाई करके। और इमेजिनेशन कैसी है, स्केल से इमेजिनेशन है, जितना सोचोगे उतना समझ आएगा। ठीक है, और आई होप समझ आया होगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, फिर एंड करते हैं इसे। जैसे कि मैं बोल दूं कि 200 ले लो, 200 मिनट है, मैं पूछता हूं इस 200 मिनट में कितने घंटे, 200 मिनट को लिखो कि कितने आवर है और कितने मिनट है। 200 में 60 माइनस करो कितना आया 0 14, फिर 60 माइनस कर दो क्या आएगा 0, और कितना आएगा 80, फिर 60 माइनस कर दो 0 और 20, कितनी बार 60 माइनस करा, 60 माइनस कब तक करो तो 7 से छोटा ना है, एक बार माइनस किया, दो बार माइनस करा, तीन बार माइनस करा, तो 3 घंटे हो गए, कितना मिनट बच गया 20 मिनट बच गया, तो 20 मिनट हो गया, 3 घंटे 20 मिनट। अब मेथड से करके दिखा देते हैं, ये 200 है, कर दो 60 से डिवाइड, ठीक है, 2 3 6 2 10 जा, अब 3 को 10 पे डिवाइड करना है, 3 को 10 पे डिवाइड करना है, करो 3 1 जा, सॉरी 3 3 जा 9, 1 बच गया, ओके। अब इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, 3 और ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है, 3 1 by 3, इसको हम एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं, 3 1 by 3 लिख सकते हैं। आगे वाला क्या बताता है, अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा, मैं 0.33 लिखा, ये आगे वाला ये डेसिमल के बाद ही आएगा, देखो करके भी दिखा देता हूं। मान लो अगर और डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा, आप इसको डिवाइड करके देखिए ना, 3 को 10 से डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा, ये चलता जाएगा। तो 3 तो ये आगे वाला है, ये रहा, तो 3 घंटे तो मैंने लिख दिया। अब ये 1/3 जो है ये है जो हमारा ये, और ये जो 1/3 दोनों की बात है, इसको 60 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा
60, लो यहाँ पर 20 मिनट बन गया। यहाँ पे भी कर सकते हो 60 से मल्टीप्लाई, 18 समथिंग कुछ आएगा, बट क्यों आएगा 18, क्योंकि चलते जा रहा है। ये रफली चार कंसीडर करेंगे, मतलब उसे ये सब गोली मारो आप, इसे पे समझो, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। आई होप ये तो जनरली आपके पेपर में यूज करना है, आसानी पड़ेगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने समझाया कि ऐसी भी हम सोच सकते हैं स्केल्स को। स्केल जस्ट स्केलिंग क्या होती है, बस नापना किसी भी चीज को, कैसी भी चीज हो, चाहे दूध नाप हो, चाहे दही नाप हो, चाहे लंबाई नाप हो, चाहे चौड़ाई नाप हो, चाहे कुछ भी नाप हो, स्केलिंग होती है। मैं बोल दूं कि क्या कहते हैं, 1 टन या फिर कुछ कुछ ग्राम बोल दूं, कुछ किलो बोल दूं, मतलब ये है तो वजन नापने वाली चीज है। 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर है, ये भी डिस्टेंस नापने वाले। 1 लाइट ईयर, बहुत लंबी दूरी नापने तो लाइट ईयर यूज कर देंगे। ऐसे करके स्केलिंग सिर्फ क्या करती है, स्केलिंग सिर्फ नापने में हेल्प करती है, किसी भी चीज को कंपेयर करने में हेल्प करती है, काइंड ऑफ कि इसके मुकाबले ये चीज कितनी है, उसके मुकाबले वो चीज कितनी है, इसके बारे में सोचना। और कुछ डाउट हो तो मत पूछना। ओके, बाय बाय।